हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, हमेशा की तरह मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो गाइस, ये आजकल थोड़ा दिमाग चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट में वीडियो ला रहा हूँ। थोड़ा ऐसे भी थोड़ा इधर उधर घूमने का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। सो गाइस, ये बात सब साइड में रख के चलते हैं। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप सब सारे बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, पीछे देख सकते हैं, ये है मेरा गाँव। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था और दो तीन वीडियो में दिखा चुका हूँ। सो गाइस, आज ऐसे बहुत तो बढ़िया सा जगह हम लोग घूमने जाएंगे। ऑलरेडी उसका प्लेस मैं ऑलरेडी देखा चुका हूँ और वो था हमारा धूप का सीज़न। ये हमारा पानी का सीज़न बोले तो ये रेनी सीज़न है। तो इस सीज़न में आप लोग को देखने के लिए बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं फिर से वही जगह पे आप लोग को लेके जा रहा हूँ। तो गाइस, मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और देखेंगे तो क्या है, कैसा है, किस कितना बढ़िया लगता है। तो चलते हैं ऊपर। और ये रहा हमारा गाँव, तो छोटा सा गाँव। तो अगर किसी ने इस गांव के बारे में पता है तो मुझे कमेंट में बता देना हमारे गांव का नाम क्या है। और मैं अभी आप लोग को ऊपर लेके जाने वाला हूं। तो देख सकते हैं गैस, मेरी गांव के चारों तरफ पहाड़ है और एक छोटा सा गांव, बहुत प्यारा सा गांव। तो आप लोग मेरी गांव का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है गैस। तो ऊपर चलते हैं और थोड़ा कुछ देर बाकी है। तो ऊपर पहुंचने के बाद बहुत हवा आने लगेगा, तो आप लोग को थोड़ा मेरी वॉइस आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, माफ़ करना, तो एडजस्ट कर लेना दोस्त, ठीक है। फाइनली आ चुका हूँ ऊपर और थोड़ा दूर बाकी है जहाँ पे बहुत बढ़िया आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वहीं पे जाने ही वाला हूँ। तो जा रहा हूँ तो थोड़ी दूर बाकी है। तो देख सकते हैं गाइस, चारों तरफ ये है पहाड़ और नीचे देख सकते कुछ गाँव दिख रहा है। और पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था वहाँ पे जो नलको माइनस ना वो भी दिख रहा है। शायद मैं आप लोग को जूम करके दिखा था, इतना अच्छा क्वालिटी कैमरा नहीं है मेरा, वो है पंचो पोटोमाली बॉक्साइड माइनस, ठीक है गाइस। वो ये माइनस माइनस बोलते हैं, वो सप्लाई करता है नलको को क्या। तो देख सकते गाइस, उधर भी एक गाँव है, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। तो शायद आप लोग कोई यहाँ पर आए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा हवा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं वहाँ पे पहाड़ चढ़ के ऊपर आया तो पैर भी मुझे थकान सा नहीं लग रहा है। तो जितना सारे जो पसीना वगैरह था ना, वो सारा सब छूट गया इसके बहुत बढ़िया हवा की वजह से। तो सर, तो पत्थर है और कुछ नहीं यहाँ पे, इसे बोलते हैं चिंदी का पेड़। चिंदी ये हमारे तरफ, यहाँ पर कोचुर बोलो, यहाँ पे कोचुर जैसे एक पॉल होगा उसे हम कहते हैं छोटा खोजर बोलो, वही बोलूँगा। तो ऐसा ही है। और ये हमारा सोन राजा, बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ पे आने के बाद। तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है। सो गाइस, फाइनल हम पहुँच चुके हैं ऊपर, देख सकते चारों तरफ बहुत बड़ा सा पहाड़। और नीचे देखा था गाइस, ये रमन चौक वाला दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से बहुत बड़ा जंगल है। और जो गैस मैंने पिछले आप लोगों को बताया था ना, एक वाटरफॉल का नाम से वीडियो डाला था, वो देख सकते हैं। वो जो दोनों पहाड़ है ना, जो बीच में वहीं पे जो बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, जो नहाने आते हैं, उसका जो वाटरफॉल का नाम वही है। तो मैं जूम करके देखने की कोशिश करूँ, वहीं पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका वीडियो कल मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो आप लोग वही देखा नहीं तो जाके देख सकते, हमारा नल को वहाँ से बॉक्साइड आता है और नीचे आता है नल को ऐसे ही चलता है। उसके बारे में छोड़ो, हमारा जो लोग के बारे में सोचो, यहाँ पर बहुत बढ़िया सा सीन देखने को मिल जाता है। तो वो वाटरफॉल रहा, नीचे जो खेत बाड़ी वगैरह ये देख सकते हैं, बहुत बड़ा फील्ड वहाँ पे कई वगैरह चल रहा है उधर। तो चलिए चलते वहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ा आगे जाने के बाद इतना बहुत बढ़िया सा जगह देखने को मिल जाएगा। थोड़ा ही मैं पहुँच चुका हूँ। यह हर साल यहाँ पे जब बारिश का टाइम है ना, तब यहाँ पे पानी रुक जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। अभी थोड़ा कम पानी है, दो दिन के बाद मैंने आया, जब बारिश छोड़ा दो दिन के बाद आया। जब बारिश का टाइम में आने की कोशिश किया था लेकिन बहुत बारिश हुआ, तो आने का मन नहीं कर रहा। घर पे मैंने अपना कम्बल वगैरह ढक के मैं सो गया। तो यहाँ पर बहुत पानी था यार, तो इसके वजह से मैंने आप लोग को देखा कि फिर से यहाँ पर आया, नहीं तो नहीं आता। तो थोड़ा सा पानी है, मैं आप लोग को देखा देता हूँ, ठीक है। देखो कैसी है चारों तरफ, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फील्ड है, छोटा सा फील्ड है, छोटा फुटबॉल ग्राउंड
ठीक है, इसे छोटा सा फील्ड है यहीं पे, तो जब भी कोई घूमने आओ तो यहीं पे, यहाँ पे बैठ के खाना वाना करने के लिए बहुत बढ़िया सा प्लेस है। चारों तरफ देखो चिंदी का पेड़ है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा फील्ड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पानी। जब यहाँ पे हमारा जो गाय बकरी वगैरह को चारा में लाते हैं ना, वहाँ पे इस पे ला के पानी पिलाते थे उन लोगों को। ठीक, और नीचे देखा जाता हूँ, उधर रहा हमारा गांव, और इधर भी देख सकते हो गांव वगैरह मैंने आप लोग को दिखाया, और फिर से पास में जाके आप लोग को दिखा देता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, और ऊपर से देख सकते हैं कितना बहुत बढ़िया सा खूबसूरत व्यू। तो मैंने जो धूप के सीज़न में आया था ना, समर सीज़न में, वहीं पे थोड़ा वो सारे कितना है कि मिट्टी मिट्टी वगैरह दिख रहा था, और रोड वगैरह भी सही नहीं था थोड़ा, और इतना भी धूप भी था तो अच्छा नहीं दिख रहा था। अभी तो बारिश का टाइम है, और देखने के लिए भी सब कुछ ग्रीन ग्रीन लग रहा है, तो देखने के लिए बहुत बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहीं पे। जब मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद मुझे सुकून सा फील होता है थोड़ा। और ये देखते हैं मेरे पीछे, ये बहुत बड़ा बड़ा सा पत्थर है। जब आप लोग ऊपर तो कभी आओ ना आओ ये मुझे पता नहीं, जब भी आओ वाटरफॉल में तो नहाने का मन करे तो वहीं आओ, तो वहाँ पे ऊपर नज़र डाल लेना। ये जो पहाड़ ना, मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये बहुत बड़ा दिखेगा, ऐसे भी बड़ा ही है, तो आपको लोग चढ़ने के बाद बड़ा नहीं लगेगा। इतना बढ़िया लग रहा है गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं कहाँ हूँ, Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. All the hype. So, आप लोग को जो पहले के से आज इस तरह का जो ब्लॉग कैसा लगेगा, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया, नहीं तो ये दिखा चुका हूँ। ओह माय गॉड, और गाइस ये प्लेस है ना फोटोशूट के लिए भी बहुत बढ़िया सा प्लेस है, तो आउटडोर फोटोशूट के लिए यहाँ पे पत्थर वगैरह में बैठ के जरा कुछ पौधे की फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत बढ़िया सा जगह है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा डेंजर सा भी है। हवा के बारे में छोड़ ही दो, तो एसी कूलर को साइड में रखो, इसका हवा थोड़ा अलग लेवल का है। अभी थोड़ा ये पे थोड़ा बैठने का मन कर रहा है, बैठ जाऊँगी। सो गैस, मैंने इस ऊपर पहाड़ के ऊपर भी लेके आया, लेकिन इसे हम क्या नाम से पुकारते हैं वो मैं आप लोग को नहीं बताया। इसे कहते हैं जामरी कोली, इसका नाम है जामरी कोली। तो गैस, ये जामरी कोली के नाम से हम लोग सब जानते हैं, ये आसपास के जितना गांव है जामरी कोली बोलने से सब लोग को मालूम पड़ जाएगा कि यही पहाड़ है। तो गैस, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी करेंगे तो आप लोग देखते ही नहीं, तो इतना और देखा ना कोई चीज़ नहीं यहीं पे, पहाड़ तो चारों तरफ देखा दे नीचे का, और आप लोग को भी बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना, और नहीं तो क्या ही बोलूँ। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।